मानो या ना मानो। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे मंदिरों और जगहों के बारे में सुना होगा जहां तांत्रिक क्रिया होती है, जहां तांत्रिक अपनी सिद्धियां पाने के लिए हर तरह के अनुष्ठान करते हैं। पर क्या आप तांत्रिकों के विश्वविद्यालय को जानते हैं? इस विश्वविद्यालय में ना ही तो कोई प्रोफेसर है और ना ही कोई छात्र। इसके बाद भी यहाँ लोग तांत्रिक कर्मकांड के लिए अक्सर रात में आते हैं। इस विश्वविद्यालय में भारत से ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। अक्सर इन्हें यहाँ स्थानीय तांत्रिकों के साथ पूजा करते हुए देखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस जगह के बारे में। भारत में 4 प्रमुख 64 योगिनी मंदिर है, 2 उड़ीसा में और 2 मध्य प्रदेश में। लेकिन इन सब में मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर का विशेष महत्व है। इस मंदिर को गुजरे जमाने में तांत्रिक विश्वविद्यालय कहा जाता था। इस मंदिर की ऊंचाई भूमि से 300 फीट है। करीब 1200 साल पहले 9वीं सदी में प्रतिहार वंश के राजाओं द्वारा बनाए गए इस मंदिर में 101 खंबे हैं और 64 कमरों में एक एक शिवलिंग है। मंदिर के मुख्य परिसर में भी एक बड़ा शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग के साथ साथ देवी योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। इसीलिए इसे 64 योगिनी शिव मंदिर भी कहा जाता है। अब देवी की कुछ मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं और कुछ मूर्तियों को देश के विभिन्न संग्रहालय में भेज दिया गया है। माना जाता है कि ये योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न है तथा इंद्रजाल तथा जादू वशीकरण आदि काम इन्हीं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तांत्रिक विद्या में इन्हें देवी का स्थान प्राप्त है। ये आदि शक्ति माँ काली का अवतार है। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिया था। ये भी माना जाता है कि ये सभी माताएं पार्वती की सखियां हैं। यह स्थान ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की अविश्वसनीय अकल्पनीय मान्यताओं और कहानियों के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो।